परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ऑथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई, उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहाँ प्रचार हो रहा होगा, उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ, 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलियों के बीत गए थे जब हुआ, दोनों को जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा 5505 निकालने के लिए, 5508 हैं ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। उन्नीस सौ सतानवे में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था बेटा ये आ गया सभी सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है ये 5500 वर्ष कैसे बनते हैं 5। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है आपने आपके कर कमलों में, इसके 538 पृष्ठ पर देखना। यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है, नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। सत्य
पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था, और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा, देखिएगा हिमालय तीर्थ। कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं, ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कोलकाता, और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, नीचे आइएगा, शंकराचार्य की विषय जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का, इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ, ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी, और चाहिए इसे शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर है। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके सहयोगी, मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी मंडोली रोड सादरा दिल्ली में, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये 11 पृष्ठ है, और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है, आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चर्मराती अवस्था में, अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नमूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण शुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैतरीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव का समय ईसा पूर्व ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व, और या 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसमें से 32 कम कर दो 476 रह जाएगा, और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले, तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए 2000, फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम, ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000, ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व
जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए कलियुग के, जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए, 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 7 5507, 1998 में हो गए 6, और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं कैसा क्लियर किया परमात्मा, कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर, परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का, बोध सागर, यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं, अविनाशी सत माने अविनाशी कबीर परमात्मा के वचन। अब यहां क्या बताते हैं, 52 वीर कबीर कहाऊं और कलियुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई, 180,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 180,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे राम कृष्ण सब में बढ़ेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं, यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में, ये देखिएगा दोहा। पांच सेंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। पांच सेंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगतारण को आए, कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक, यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे, जैसे सिख धर्म आदि, कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण, यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलियुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे, देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाए। ओए होए होए, जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह, सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं,
सत सुकृत के मध्य, यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावे, सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फसरे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह आप ही मिले सिंधु में धाए, धाए माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में, उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। और फिर क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक अर्थ क्या, ठीके नहीं है, यो ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय, जैसे हम ये क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है, हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर्द दी हमने और इस दिन उसके पति आवेंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी निर्धारित समय निश्चित समय ठीक, ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथि वार नहीं आते तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी, लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही पांच सात पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी चौथा दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सब संवेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ चुके हैं पढ़ते हुए, कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि वार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक ठीक का तिथि वार, जो ठीक एक को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं हम। और कपट चातुरी तब लोग जो सब संवेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सब संवेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा, और सब ही नार नर शुद्ध जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत आवंत है अंत नहीं, ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरु दे। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका है पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध यानी सब बुराई त्याग देंगे, हाहाकार मचरी लूट खसोट रिश्वत खोरी दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए मेरी प्यारी आत्मा, भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई, एक अनेक हब गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे और हंस तले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गए, नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुनः अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक उस
दो अक्षर के मंत्र के सहारे उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे, जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है कि पीण का, कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो कै सब बरतें सहज स्वभाव। अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाके द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक, और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है, और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उड़ जाकर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहब की शरण मिलेगी, फिर हमें कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी, और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तब देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से कि जैसे जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि एक कण पड़ा है विष का, और कौन जीभ कलावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा के मर जावे। तो हमें ये जो रिश्वत खोरी या मिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा, और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये व्यस है व्यस, और ये व्यस व्यस दिखाई देगा जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है, और वो अलगा के मुंह पी जाता है। एक शराब भी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, टूड़े में गेहूं के टूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा दस एक वर्ष उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली, उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था, और लगा के मुंह के दो घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं जब पता लग जाएगा कि इसमें विष है, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है, ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है, क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे, किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काणा है, कोई कोड़ी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई, तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो।
कहते ओरी माने खुशी होया करेगी, फिर कि जहर ने कौन खाओगा, राम नाम की ओरी वो खुशी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की ओरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव, कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा, अनजान बच्चा तो चे हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में, अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश, अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में, उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से, एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है, गोरेलाल जी तुलसीदास जी के संत गुरु हैं, और वो गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का, ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ानी वाला, और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में युद्ध जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ, उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले डोहे जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और पांचों नाम काल के जाप करने शुरू कर दे दिए, कर दिए, काल का दूत था वो। और उस राधा स्वामी उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा तुलसीदास, यो जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक, उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ रहा है, उससे भी पहले से, उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951 में, और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी तो होती है आगे की, एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने भी बताया आपके समक्ष रूप रूख रहा कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, तो उसमें इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को ये दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था, और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को ये ज्ञान बताया था कि एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, और अभी उसका भेद नहीं बताऊं, बता दूंगा सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, समय आने पर, समय का इंतजार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा, देखिएगा उन्हीं के वचनों में। जय गुरुदेव की अमृतवाणी ये एक पुस्तक है, भाग 2,
और ये देखना, ये एक मंदिर का लठगड़वा दिया, इसने एक मंदिर बनवा दिया, कि ये काम आओगे इसकी मृत्यु के बाद, सारा पैसा यहाँ करोड़ों रुपये लगा दिए। तो न्यू भोली आत्माओं को काल मिसगाइड किए बैठा। ये कहाँ से छपी है ये दिखाता हूँ आपको। ये है ये तुलसीदास जी, और पुण्यात्माओं अभी बताता हूँ आपको, ये है वो पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा, और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। ये हैं ये जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। ये देखिएगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और ये देखो इनके हाथ भी कंडेम हो चुके हैं साधनाएं कर करके। इनका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। पुण्यात्माओं, इस राधा स्वामी पंथ के अंदर ये पहला महापुरुष है जो अपने पीछे दास लिखता है, नहीं तो किसी के पीछे दास ने दास नहीं देखा। ये कितनी अच्छी आत्मा था, लेकिन फंस गया ये शिवजाल का भूत बन गया जो काल का दूत था। और इनके अनुयायी कहते हैं विश्व में शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये लेखक बोल रहा है। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था, तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक तक कलयुग बढ़ गया घटिया नहीं, तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में, और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने, जब इनकी जीव दृष्टि काम करी थी 1971 में पिछले पुनों के कारण, अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है, अब चाहिए था इसने बता देना, अब इस बरुवाला में बैठा है, जाके ले लो वो 20 वर्ष वाला। और इसने अपना भी कल्याण करवाना चाहिए आकर के, वो समय आ गया है। अगर ये इंतजार कर रहा था तो शायद परमात्मा ने इसीलिए इसको जीवित रखा है। इसके विषय में लिखा है कि ये लगभग 100 से ऊपर उम्र की आयु के हो चुके हैं, अब जिंदा लाश है, ये कितने दिन और जी लो, इसका पल्ला कख भी नहीं। जब इनका मुखिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंथ का प्रवर्तक शिवजाल जी भूत बन के बुकिंग बोल रहा था इसकी क्या गति होगी, वही दुर्गति होगी। अंडरस्टूड है, वही पांच नाम काल के वो जाप करता था, वही पांच ये कर रहा है और करा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी पुस्तक के, ये जय गुरुदेव की अमरवाणी, ये वही पुस्तक है और ये यहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके हम 100, अब इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं, पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन, 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी, श्रद्धालुओं ने पूछा महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया, देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी, इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को
इसने फिर बयान दिए हैं, क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है, और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहाँ से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सत्यवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी, इंतजार होगी थी। कहते हैं वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और अब ये काल के फंस गए, काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये पांचों नाम काल के जाप करें अपने आत्माओं। 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास, अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए गए पीछे, और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए, अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है, और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, यू गारंटी देता हूँ। अपने आत्माओं, ये पांचों नाम काल के जाप करें और बांट देखें सचखंड और सतलोक जान की, बताओ इनका कोई आधार है, इनका दिखाता हूँ आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास आथरस वाले की लिखी हुई है, इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की, वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे, क्योंकि वहाँ से साहेब बचा ले सारे, ये अर्थ कक का पता नहीं इन्हें। अब तुलसीदास आथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा कर इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया, उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है घट रामायण, दो भागों में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो, ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की, ये यहाँ से छपी है, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद भाग एक है, ये है तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण पहला भाग, जीवन चरित्र सहित पूरा छपा है दो भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है भेद पिंड और ब्रह्मांड का, देखिएगा। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा, ये पांच नाम और छठवा गुप्त है, छठा नाम, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ओय होय, पांचों नाम काल के हैं तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा, जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, उन पांच नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं, और सत नाम है ये दो अक्षर का, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये पांचों नाम जो शिवजाल जी जपा करते थे भूत बने, और अब
जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं और वो भूत बने ये भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। और ये है वो दो नाम जाप करने के, सतनाम, दो अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दास देव का, और सतनाम ये सार नाम है, इनसे मोक्ष होगा प्राणी का। ये इनके पास है नहीं तो अपने आप काल के मुख में जाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें ये शिक्षा इसलिए दी थी कि हम परमात्मा को पहचान लें। आज दिन में जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं। आपने सुबह के सत्संग में वहाँ तक प्रकरण सुन लिया था कि कबीर परमेश्वर जी लहर तारा तालाब पर एक कमल के फूल पर आकर शिव सतलोक से चलकर आकर गति करके आए थे और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर विराजमान हुए थे, काशी शहर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में। और वहाँ नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बच्चे को प्राप्त हुआ तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, सो सो शुक्र मनाए अपने भगवान शंकर के। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर्म मान लेना, आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। और आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता अपनी कीमत का, जौहरी जानता है। धन आपको जो इस समय में जन्म मिला मनुष्य का धन है, आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्म मान लेना। आपको ये अमृत वो ज्ञान मिल रहा जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लोका छुपी करके इसको बचा रखा था और आज आपके सामने उलेड़ दिया, बिखेर दिया भगवान ने, खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है, जो सुविधा आपको सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी पुण्यात्माओं, सत्कर्म मान लेना। कारण क्या है? क्योंकि वो सुखदायी परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, उसको मालूम है कि ये काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है, सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा, जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं, तो वहाँ दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से, सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं, सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है और ऊपर से ही अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझे, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने ना, ये मैन आदमी की डिस्कवरी नहीं है, ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना, ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में, एक रेडू में छः छः खच्चर जोड़ के और रथ बना कर घसीटे अंडा करते थे, ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि, कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट, ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा
ना जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना, और ये इंस्ट्रूमेंट लवा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे, ये मीडिया कहाँ था, ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज चैनल, और ये कहाँ थे कुछ जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिया एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय, मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्मा पहले हम देखो ज्ञान नहीं था, जब फिल्म देखा करते VCR हुआ करते और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़ और 3 घंटे की एक हुआ करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये, किराए पर लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते, 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की, सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाह बनवाए जांदर पिए जांदर दांदर का डिजाइनों देखे जाते बैठे बैठे, कुछ लेना न देना सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्मा अमृत बरस रहा है, अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है ये परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है, और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से हैं सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसिज था ब्रह्म कुमारी जाती थी उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे, मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर इन्होंने हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे, वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितनी भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था, ठीक है। तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गुता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी, जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई
जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं थे, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके ऑथेंटिकेशन प्रूफ के दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब ऑथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंत से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे, लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी, जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है, वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब से, सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अखर का भेद बतावे, तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे, दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आगे गुरु में चेंज करने में। जैसे हम मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह चल करवाऊँगा, तो अपने आप को सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली, ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूंगा, ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है, बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा, और उसका दूसरी जो है एक बंदे का मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है, मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था, तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया, गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है, क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के से कैंसर कैंसर के सिम्टम्स थे सर क्या है इन रिपोर्ट्स में, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दिए आपको? इसमें सर, ये है मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट से, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी, तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, तीन तीन बंदे उसको उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था, CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए, मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890 और जलंधर में है, जब भी रिंग करो मैं आपके पास, कहीं भी बोलो ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं, क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है?
नहीं बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं, लेकिन हमारे अपनी, मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं, अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजिशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं कुछ अपने शर्म के मारे वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं हम ऊंची आवाज में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, बंदा जाना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे, मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर, संत रामपाल जी महाराज जब भी जेल में है, क्या आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में अभी भी दृढ़ विश्वास है? या बिल्कुल, मोर देन 100%। सर, आप लोगों की अटूट आस्था को देखकर हैरानी होती है कि बरवाला जैसी बड़ी घटना के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग उसके बावजूद भी उनसे जुड़ रहे हैं, सर इसका क्या कारण है? देखो ये चीज अभी तक इतने सब, ये 2006 से भी उन्होंने किया था, तो अभी तक उनपे कोई जितने भी वो उन्होंने ये केस लगाए हैं वो उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। 2006 पे भी उन लोगों पे, अपने गुरुजी पे और भक्तों पे ऐसे उन्होंने लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। तो अभी भी जैसे ये कर रहे हैं, अभी भी ये तो लाइव लोगों ने देखा है, लोग आजकल वेल एजुकेटेड हैं, बच्चे बच्चे ने देखा है, ये यहाँ पे जो बरवाला कांड हुआ है वो क्या हुआ, लाइव हुआ है, ये जस्ट लाइक एक जलियांवाला कांड हुआ है। जैसे वहाँ पे तो जनरल डायर 40 बंदे लेके आया था, यहाँ 40,000 लेके आए थे, वो भी एक लोगों पे, बच्चों पे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे टीवी पे 7:40 से लेके 8:40 तक सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम, ये मतलब गुरु जी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक एक SMS कीजिए, वहाँ पे नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उनको एक जस्ट लाइक ए मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी, लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर, और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी हम, मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही, सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्म गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा जिंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट, हमने तो जिंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब क्या, सब कुछ डिटेल दिया है अपनी बुक्स, कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी और किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी।